हरिओम, मेरा नाम रूपाली है, मैं शिक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपके समक्ष प्रसिद्ध टॉलस्टॉय की प्रेरणादायी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। टॉलस्टॉय एक प्रसिद्ध तत्वचिंतक थे। उनका जीवन बड़ा सादगीपूर्ण था। एक बार वे रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, इतने में एक महिला आई। उनके साधारण वस्त्र देखकर उन्होंने उन्हें मजदूर समझा एवं अपने पास बुलाकर कहा, ए मजदूर, सामने होटल में मेरे पति बैठे हैं, ये लो चिट्ठी और उनको दे आओ, मैं तुम्हें दो कॉपेक दूंगी। टॉलस्टॉय चिट्ठी लेकर उसके पति के पास दे आए और कॉपेक को जेब में रख लिया। फिर खरे खरे गाड़ी का इंतजार करने लगे। फिर इतने में एक बड़ा आदमी आया और उनके साथ बड़े आदर से बातचीत करने लगा। वह उनके लिए मानवाचक शब्दों का उपयोग कर रहा था तथा उनके सामने आदर से पेश आ रहा था। वह महिला को बहुत हैरानी हुई, इतना बड़ा आदमी एक मजदूर से इतने आदर से बात कर रहा है, आखिर मजदूर है कौन। इधर उधर से पूछने पर पता लगा कि वह साधारण वेश में दिखने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, प्रसिद्ध तत्व चिंतक टॉलस्टॉय है। अब वह महिला को पश्चाताप होने लगा। उसने सोचा, उसने इतने महान व्यक्ति को एक मजदूर समझ कर चिट्ठी देने का काम सौंपा। वह टॉलस्टॉय के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी। तो टॉलस्टॉय हंस पड़े और बोले, ये मेरे पे मेहनत की कमाई है, मैंने मेहनत करके कमाया है, मैं तुम्हें ये दो कॉपेक नहीं दूंगा। वह महिला सचुका गई और अपनी गलती का मन ही मन पश्चाताप करने लगी। इतने महान व्यक्ति की कितनी सादगी और सहजता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विनम्रता से ही व्यक्ति महान बनता है। हरिओम।